जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं खोटा व्याकरण का नौवां टॉपिक और ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जहां पे हम लोग बात करेंगे आज के नौवें से टॉपिक पे और जिसका नाम है क्रिया। हम लोग पढ़ेंगे खोटा क्रिया और आपने देखा होगा कि पिछले कई सारे परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे भी गए। अगर बात करें म्यूनिसिपल में तो यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछा गया है। दो सवाल यहाँ से क्रिया के सवाल जो वो दो पूछे गए थे और वो सवालों की भी डिस्कस हम लोग करेंगे आज के सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है कि जे कोनो शब्द ले काम काज हवे ब करे पता चलो है ओकरा की कहल जाए। यानी जहां से किसी काम के होने या करने का पता चलता हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि खाना पीना, नहाना, उठना, बैठना, सोना, नाचना, गाना, कूदना, ये सभी जो पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सभी जो क्रियाएं हैं, एक कह सकते हैं कि क्रिया ही है, काम ही है, तो ये सभी काम के होने या करने का जो पता चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, है ना। तो इसमें से बहुत सारे आ जाएंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि जकर से करनी के पता चलो है। करनी मतलब भी होता है काम धंधा, है ना। करनी का मतलब होता है काम या तो फिर क्रिया, है ना, काम या तो फिर क्रिया। जहां से क्रिया के पता चले ओकरा की कहल जाए, तो काम जहां से काम होने का पता चले करनी। यानी नहीं बोलते कि कई बार गांव घर में कहते हैं कि तोर करनी बड़ी गार हो, है ना, तब खायल काहे नहीं मिलतो, तोर करनी जे बड़ी गार हो, मतलब तुम्हारा काम जो बहुत अच्छा है तभी ना तुमको इतना खाने के लिए मिलेगा। दिन भर तो इधर उधर घूमते फिरता है, टहल्ला मारते चलता है और तोरा खाए बढ़िया बढ़िया चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है कि कई बार यहाँ पे आपने घरों में सुना होगा वो शब्दों से आप सीख सकते हैं, है ना। तो करनी मतलब क्या होता है, काम। तो जहां से काम होने का पता चले उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि खोटाएं क्रिया के भेद पावल जाए। तो क्रिया के भेद में अगर बात करें तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये दोनों शामिल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए और क्रिया में आप और भी भेद की चर्चा करते हैं, जैसे कि वहां पे हम प्रेरणार्थक क्रिया की बात करते हैं, पूर्वकालिक क्रिया की बात करते हैं, क्रियार्थक संज्ञा की बात करते हैं, संयुक्त क्रिया की बात करते हैं, है ना। इसके अलावे और भी कई ऐसे क्रियाओं की बात करते हैं, सहायक क्रिया की बात करते हैं। तो क्रिया के अलग अलग रूपों का हम वहां पे चर्चा जो वो करेंगे और आज के सेशन में भी हम लोग वो सभी बातें जो वो डिस्कस करने वाले हैं। अगला सवाल है कि सोमरा भात खाए रहल है, हियाँ कौन क्रिया है। अब सोमरा भात खाए रहल है यहाँ पे कौन सा क्रिया है। अब देखिए सवाल में आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जब आपको कोई सेंटेंस दिखे तो आप सबसे पहले देखिए कि वहां पे कर्म उपस्थित है या नहीं। अब यहां पे कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कर्म क्या है, है ना, कि वहां पे कर्म उपस्थित है या नहीं है, यानी जो प्रभावित होने वाला है या नहीं है, या तो कोई भी काम हो रहा है तो अगर आपसे सवाल कर दे कि वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहां जा रहा है, मतलब क्या, कहां, कैसे, कहां, कैसे, अगर कुछ सवाल किया जाए और उसका अगर जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो जो होगा वो सकर्मक क्रिया होगा। अगर वो सवाल का जवाब अगर आपको नहीं मिले तो वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। हालांकि ये हर जगह काम नहीं करता है, कई बार ये ट्रिक फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी हम लोग याद रखते हैं इसको। ऐसे तो आप याद रख सकते हैं कि जिस क्रिया में या जिस क्रिया के वाक्यों में कर्म उपस्थित हो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, जहां पे कर्म उपस्थित नहीं होता है उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहां पे सवाल उठ अगर कोई कर दे कि सोमरा खाए रहल है, तो सोमरा की खाए रहल है, तो यहां पे जवाब में आपको मिल रहा है कि वो भात खा रहा है, यानी चावल खा रहा है। तो यहां पे क्या है कि जवाब में आपको मिल रहा है, है ना, यहां पे जवाब मिल रहा है कि क्या खा रहा है, तो चावल खा रहा है यानी भात खा रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन ये नहीं रहता अगर कहीं केवल रहता कि सोमरा खाए रहल है यहां पे कौन सा क्रिया है, तो फिर वो अकर्मक क्रिया होता, है ना। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि क्रिया के मूल रूप के की कहल जाए। कई बार सवाल यह रिपीट हुआ है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे
तो हूबहू आपको इसी तरह से सवाल कम से कम 5 से 7 परीक्षाओं में सवाल आपको देखने को मिल जाएगा इसका, कि क्रिया के मूल रूप के की कहल जाए तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। फिर यहां से कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये धातु क्या होता है। अब मान के चलिए कि खा पी पढ़ लिख लिख है ना, सोत सुन सोत उठ, ये सभी जो वो क्या है, ये सभी जो वो धातु है ना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। लेकिन इसी में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में हम एक या तो फिर एक प्रत्यय, कई बार एक प्रत्यय भी जुड़ता है और एक प्रत्यय, अगर इस प्रत्यय को हम इनमें जोड़ दें तो ये फिर क्या बन जाता है, मूल क्रिया बन जाता है। जैसे कि खा जोड़ एक खाएक, खाए जोड़ एक खाएक हो गया, पी जोड़ एक पिएक, पढ़ जोड़ एक पढ़ेक, लिख जोड़ एक लिखेक, सुन जोड़ एक सुनेक, सुतेक उठेक लिखेक पढ़ेक, ये सभी क्या है, ये सभी मूल क्रिया है। तो याद रखिएगा, धातु मूल क्रिया, फिर वहां से उसके बाद में अकर्मक सकर्मक द्विकर्मक जो भी आता है, संयुक्त क्रिया हो गया, उसके अलावा पूर्वकालिक क्रिया हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, सहायक क्रिया हो गया, वहां पे फिर अलग अलग हम लोग बात करते हैं। लेकिन जो क्रिया की शुरुआत जो होती है, जो मूल शब्द जहां से जिसकी शुरुआत होती है, वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। ठीक है, जैसे कि खा पी पढ़ लिख सुन सोत उठ, ये सभी क्या है, ये सभी धातु है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है, और इसमें से जब हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो फिर मूल क्रिया बन जाता है। मूल क्रिया भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में जो आपके परीक्षाओं में सवाल पूछा गया था, उस सवाल का भी डिस्कस हम लोग आज के सेशन में करेंगे कि क्रिया के किस तरह से सवाल जो वो पूछे गए थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि भाषा में रूढ़ शब्द नियर जे पावल जाए ओकरा की कहल जाए। अब भाषा में देखिए, रूढ़ शब्द जैसा, रूढ़ शब्द यहां पे फिर क्या होता है, रूढ़ में मतलब मूल जैसा, मूल से ही आया हुआ है, मूल या रूढ़ एक ही चीज है, यानी कह सकते हैं कि उसका जड़, जहां से कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत हुई है, जो मेन होता है ना, कि भले इधर उसका इधर उधर चारों तरफ जो वो शाखाएं फैल गए हो, लेकिन उसका मूल जो होता है, जो जड़ होता है, वो एक जगह स्थित होता है, है ना, जड़ सबका एक ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रांच, इस कंपनी का ब्रांच अलग अलग जगह फैल गया, लेकिन उसका हेडक्वार्टर एक ही जगह होता है। तो ठीक उसी प्रकार से भाषा में जो रूढ़ शब्द जैसा होता है, पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सरल क्रिया या तो फिर मूल क्रिया, ये दोनों नाम से हम लोग जानते हैं, उसको सरल क्रिया भी कहते हैं कई बार। कई बार यहाँ पे मूल क्रिया शब्द का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोठाएं मूल क्रिया बनवल जा है। अब देखिए, अभी हम इसके बारे में डिस्कस किए थे कि खोठा में मूल क्रिया जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, तो एक प्रत्यय जोड़ करके, है ना, एक प्रत्यय, यहां पे प्रत्यय आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, है ना, कि एक प्रत्यय जोड़ करके। ठीक है, तो शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के शुरुआत में जो जुड़ता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि एक शब्द आपको पूछा गया था, निमोहिया, है ना, निमोहिया पूछा गया था कि निमोहिया में कौन उपसर्ग लगल है, तो यहां पे नी उपसर्ग लगा हुआ है, है ना, नी निमोहिया। ठीक है, ईया यहां पे प्रत्यय जुड़ा हुआ है और नी जो वो उपसर्ग लगा हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे, है ना, निमोहिया इसका जो वो सवाल भी आपसे पूछा गया था। हालांकि कुछ लोग बोले कि उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़ाया नहीं था, लेकिन दरअसल यह जो वो गीत से लिया गया था सवाल था, है ना, यह गीत, एक गीत था बोन रक्षा जीवन रक्षा, जहां पे बोला गया था कि निमोहिया के घर न उजार ए भाई, तो मतलब वहां पे कह सकते हैं कि जब बोन रक्षा जीवन रक्षा, जब अनीता कुमारी के द्वारा जो गीत लिखा गया है, उस गीत में इसकी चर्चा की गई थी, और वहीं से मुझे तो लगता है कि वहीं से ये सवाल जो वो उठाया गया है। हो सकता है कि एक उपसर्ग को भी जोड़ करके सोच करके ग्रामर के अनुसार से भी पूछा गया हुआ, लेकिन हमें जहां तक अनुमान लगता है कि ये सवाल जो वो वहीं से लिया गया है। ठीक है, चलिए, खैर कोई बात नहीं, ये सब चीज कॉमन है, और हम वहां पे इसकी चर्चा भी हम लोगों ने किया था, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो याद रखिएगा, शब्द के शुरुआत में जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, अंत में जो जुड़ता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो हम पहले बता दिए कि जैसे कि हम लोग बोले कि लिख या पढ़, है ना, पढ़, लिख, खा, पी, ये सभी शब्दों में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वहां से वो जो क्रिया बनता है वो मूल क्रिया कहलाता है, है ना, उसको क्या कहते हैं, मूल क्रिया कहते हैं। या तो कई बार होता है कि मूल क्रिया के जगह पे असल क्रिया शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, असल क्रिया भी इसका शब्द का प्रयोग किया जाता है, और आपके जो परीक्षा हुआ था, आपका जो अगर परीक्षा हुआ था म्यूनिसिपल वाला यानी नगर पालिका वाला, तो वहां पे मूल क्रिया के जगह पे असल क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया था, और वहां पे दिया हुआ था कि पढ़ेक कैसन क्रिया लागे, वहां पे एक शब्द दिया हुआ था पढ़ेक कैसन क्रिया लागे, पढ़ या पढ़े किसी प्रकार के सवाल जो वो पूछा गया है। तो मान के चलिए कि अगर इस तरह के सवाल अगर आपने अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ा तो कई बार आप गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो सवाल पूछा गया था उठा, उठा या तो फिर उठेक, इस तरह से सवाल पूछा गया था कि उठा या तो फिर उठेक कौन क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, दोहरी और असल क्रिया। तो यहां पे बता दे कि उठा या उठेक जो था वो असल क्रिया या तो फिर इसे मूल क्रिया के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं, है ना, असल क्रिया या तो फिर इसे मूल क्रिया भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाता वो मूल क्रिया हो जाता या असल क्रिया हो जाता, उठा उठेक, पढ़ा पढ़ या पढ़ेक, लिख या लिखेक, है ना। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो वो मूल क्रिया के अंतर्गत आता है या तो फिर इसे हम लोग असल क्रिया भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रकार के सवाल भी आपसे आने वाले एग्जामिनेशन में और भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। धातु छोड़ के दोसर शब्द से बनवल क्रिया के की कहल जाए, धातु को छोड़ करके दूसरे शब्द से बने हुए क्रिया को क्या कहा जाता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि धातु को छोड़ करके दूसरे शब्द से जो क्रिया बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नाम धातु या नामिक धातु। अब बोलेंगे धातु छोड़ करके तो फिर वो कौन सा शब्द के साथ में मिलकर के बनेगा, वो शब्द संज्ञा शब्द हो सकता है, वो शब्द सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, कई सारे शब्द हो सकते हैं, है ना। तो अलग अलग शब्दों से विशेषण हो सकता है, है ना, तो विशेषण से बनाया जा सकता है, अव्ययवाची शब्द हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है। तो अलग अलग शब्दों में जोड़ करके ये शब्द जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हालांकि इसका नाम हम आगे बात करेंगे, जो संज्ञा से बनता है उसको क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है, क्रिया विशेषण से क्रिया पद बनता है, अव्यय से भी क्रिया पद बनता है, हम उसकी चर्चा आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम यहां पर बता देते हैं आपको, जैसे कि अगर हम लोग बात करें संज्ञा से, जैसे कि हाथ, हाथ क्या है तो संज्ञावाची शब्द है, हाथ जोड़ हम यहां पे लिख दिए आवेग, इसमें जोड़ दिए आवेग, क्या हो गया हथियावेग, हथियावेग। तो बता दे कि ये हथियावेग जो बना ये क्या बन गया, संज्ञा से बना हुआ क्रियापद है, है ना, ये संज्ञा से बना हुआ क्रियापद है हथियावेग। और भी ले सकते हैं, है ना, हथियावेग, लतियावेग, डहरावेग, उसी प्रकार से आप सर्वनाम से भी ले सकते हैं, जैसे कि आपन से बनता है एक शब्द अपनावेक, आपन से एक शब्द बनता है आपन से अपनावेक, है ना, आपन से अपनावेक। तो ये सभी क्या है, अलग अलग शब्दों से मिलकर के, ये धातु से नहीं जुड़ करके किसी दूसरे शब्द से बन करके ये क्रियावाची शब्द जो कहलाता है वो अलग अलग नामों से ये जाना जाता है, जिसको हम लोग नामिक या नाम धातु भी क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि पढ़ेक या पढ़ना कौन रक में क्रिया लागे, तो बता दे कि यह मूल क्रिया या तो फिर असल क्रिया कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे पढ़ेक के जगह पे आप लिखिए उठेक, है ना, उठेक, लिखेक, लिखेक, सूतेक, सूतेक, कांदेक। अब यहां पे जो आपको लिखना है आप जोड़ करके लिखते जाइए, और ये सभी जो आएगा वो सभी मूल क्रिया के अंतर्गत आएगा,
है ना, उठेक, लिखेक, सुतेक, कांदेक, हासेक, है ना, नाचेक, गावेक, ये सभी शब्द जो आएंगे ये सभी मूल क्रिया के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो याद रखिएगा यहां पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि जोन क्रिया संज्ञा कर्म रहा है या रहे के संभावना भेटा है ओकरा की कहल जाए। तो जिस क्रिया में या तो फिर कर्म उपस्थित हो या उपस्थित होने की संभावना व्यक्त होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम कुछ देर पहले एक उदाहरण लिए थे कि जो भी नाम, हम कुछ भी नाम ले लीजिए, सोहना, मंगरा, बुधना, जो भी लेना है, सोहना भात खाए रहल है, सोहना भात खाए रहल है, तो यहां पे हम बोले थे कि यहां पे भात जो है वो क्या है, कर्म के रूप में यहां पे उपस्थित है, अर्थात यहां पे ये जो क्रिया होगा वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है जोन क्रिया संग कर्म नाय रहा है वो की कहा है। तो जिस क्रिया के साथ में कर्म उपस्थित नहीं होता हो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसके जगह पे, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अकर्मक क्रिया में। जैसे कि छुआ कांदो है, अब बोले कि कैसे कांदो है तो ये नहीं पता चल रहा है। गिदर हांसो है, बाबू चलो है, वो खा है, तो अगर सवाल पूछे कि क्या खाता है, बोल नहीं पता हमको, तो वहां पे वो जहां से कर्म के संभावना ना दिखे या तो फिर कर्म उपस्थित नहीं होता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पे अकर्मक क्रिया में जैसे कि छुआ कांदो है तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। गिदर नाचो है या हांसो है, ठीक है, या उस मंगरा सुतल है, इस तरह जो भी शब्द आता है ये सभी जो वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो वो आते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है मंगरा स्कूल जा है, ये वाक्य है कौन क्रिया है। यहां पे है की अगर बात करें, जा है भी ले सकते हैं, है ना, है भी ले सकते हैं, इसकी जगह पे इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पे पूछा कि है क्या है, तो बता दें कि क्रिया के साथ में जो सहायक के रूप में उपस्थित होता हो उसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। आखिर में आपके आपके साथ में भी सहयोगी होते हैं ना, कोई भी काम करते हैं तो आपके साथ में कोई जो सहयोगी के रूप में उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक या तो फिर सहयोगी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस वाक्य को पूरा करने के लिए, है ना, इस वाक्य को पूरा करने के लिए जो क्रिया के साथ में सहायक के रूप में होता है उसी को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वो स्कूल जा है, तो जाना यहां पे क्रिया है, लेकिन इसको वाक्य, इस वाक्य को पूरा करने का जो काम करता है या सहायता प्रदान करता है वो है, तो है यहां पे क्या हो जाएगा, ये सहायक क्रिया हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सोहना खाए के स्कूल गेले, ई वाक्य खाए की है गए। अब कहता है कि सोहना खाए के स्कूल गले, इसके जगह पे कोई भी नाम आ सकता है। देखिए कई बार सवाल होता है कि आप लोग, कई लोग पूछ लेते हैं कि नहीं सर सवाल आप तो पढ़ाए थे लेकिन वहां पे सवाल दूसरा पूछ दिया, अब दूसरा क्या हो सकता है, ये खाने के जगह पे हो सकता है कि कोई बोल दे कि नाच रहा है, गाय रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। सोहना के जगह पे हो सकता है कि मंगरा, बुधना, करमीर, अहमद, रहीम, करीम, कुछ भी नाम आ जाए, और अगर कहीं नाम बदल दे तो वहां से हम ये नहीं कह सकते कि ये सवाल बदल गया है, यह सवाल अलग पूछ दिया है। ये तो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की बातें हैं कि आप उस समय एट ए टाइम कितना सोच पाते हैं और उस सवाल को कैसे आप सही से अपने तरीके से उसको हैंडल कर पाते हैं, ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। हम बार बार इसी चीज की बात करते हैं कि कई बार आपको सवाल में ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा, कई बार आपके सवाल इजी होने के बावजूद भी ऑप्शन आपको फंसा देता है, तो इसीलिए हमेशा जो वो ऑप्शन पे भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह के ऑप्शन आपको मिले हुए हैं और वहां से भी आपको उत्तर करने चाहिए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहां पे पूछ रहा कि सोहना खाए के स्कूल गेले। अब ध्यान से यहां पे देखिए तो यहां पे दो क्रिया आपको दिख रहा है, एक तो खाना और एक जाना, है ना, यहां पे दो क्रिया दिख रहा है। तो कहता है कि अगर कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कह सकते हैं कि काम कर रहा है तो पहला काम खत्म करके, है ना, ये पहला काम खत्म करके दूसरा काम करने की शुरुआत करे तो जो पहला काम होता है उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।
क्या कहते हैं, उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यानी एक काम खत्म करके दूसरा काम की शुरुआत हो रहा हो तो पहले क्रिया को क्या कहा जाता है, उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल क्रिया क्या है हम बता चुके हैं, सहायक क्रिया क्या है ये भी हम बता चुके हैं। जैसे कि और भी आगे सवाल देखते हैं, वहां पे स्पष्ट हम लोग इसमें करेंगे। वो किताब पढ़ो है, अब देखिए यहां पे वो किताब पढ़ो है, अब यहां पे वो क्या है, किताब क्या है, पढ़ना क्या है और है क्या है, ये चारों चीज आपको याद होगा, पता होगा, है ना। अब देखिए यहां पे वो जो वो किस रूप में है, सर्वनाम के रूप में, सर्वनाम के रूप में क्यों है, क्योंकि किसी नाम के बदले में आया हुआ है। हम यहां पे लिखते कि मंगरा किताब पढ़ो है, सोमरी किताब पढ़ो है, यहां पे कोई नाम लिख देते तो नाम के बदले ही तो आया हुआ है। और सवाल आपको यह भी पूछा गया था नगर पालिका की परीक्षा में कि संज्ञा के औजी अवय शब्द के की कहल जाए, यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो वो यहाँ पे सर्वनाम है। किताब क्या है, किताब आपको पता होगा कि ये संज्ञावाची शब्द है, है ना, ये क्या है, संज्ञावाची शब्द है। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, ठीक है। कौन सा क्रिया है, यहाँ पे बता दे कि यह सकर्मक क्रिया है, कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। है क्या है, यहां पे ये सहायक क्रिया है, ये क्या है, सहायक क्रिया है। तो सब कुछ आपको स्पष्ट रूप में पता होने चाहिए। जब कोई भी वाक्य अगर आपको एक सेंटेंस पूरा मिलता है तो हर एक शब्द के बारे में आपको पता होने चाहिए कि कौन सा शब्द जो वो किस रूप में प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। अगर आप उन चीजों को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है। अगर हम जो क्रिया क्रिया के रूप में अगर बात करें तो यहाँ पे किताब जो वो कर्म के रूप में उपस्थित है, है ना, यहाँ पे क्रिया के रूप में अगर बात करें तो यहाँ पे किताब जो वो किसके रूप में है, कर्म के रूप में उपस्थित है, क्योंकि पढ़ने का जो क्रिया हो रहा है, पढ़ने का जो कह सकते हैं कि काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है, किताब पे ही तो फल उसका प्रभाव उसका पड़ रहा है। तो पढ़ने का काम जो हो रहा है किस पे हो रहा है, किताब पे हो रहा है। तो यहाँ पे किताब जो वो कर्म के रूप में उपस्थित है, या तो फिर कोई सवाल पूछे कि वो क्या पढ़ रहा है तो वो बोल रहा है कि किताब पढ़ रहा है। तो किताब यहाँ पे किस रूप में है, कर्म के रूप में है, अर्थात ये कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया के रूप में उपस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एकर में कौन टा अकर्मक क्रिया नाय लागे, यानी इसमें से कौन सा जो वो अकर्मक क्रिया नहीं है, वो हांसो है, वो सूतो है, वो खेलो है, ये तीनों जो वो अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर यहाँ पे देखे तो बोल रहा है वो बोन जा है, अगर सवाल कर दे कि कहाँ जा रहा है तो बोलता है कि बोन जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये सकर्मक क्रिया के रूप में उपस्थित है, है ना, ये सकर्मक क्रिया के रूप में उपस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं 16वें सवाल पे, अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि जोन क्रियाएं करता आपने काम ना करके कोनो दोसर के प्रेरित करो है ओकरा की कहल जाए। अब देखिए जब कोई व्यक्ति खुद वो काम ना करके, करता मतलब हो गया, मान के चलिए करता यहाँ पे कोई भी हो सकता है लेकिन हम व्यक्ति के रूप में मानते हैं, कोई व्यक्ति अगर कहीं कोई वह काम, कोई भी काम स्वयं ना करके, अब कई ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद काम नहीं करते और लोगों से करवाते हैं, होता है ना, जैसे ठेकेदार होता है तो ठेकेदार का अपने काम करता है नहीं करता है, वो किसी और लोगों से काम करवाता है, और काम करवाता है तो उसके भी, उसके लिए भी निगरानी के लिए एक मुंशी रखता है, है ना, उसको देख रेख के लिए एक मुंशी रखता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब बोलेंगे मुंशी ठेकेदार यहाँ पे का मतलब है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस उदाहरण से। जैसे कि समझिए, हम कुछ कुछ उदाहरण आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला तो याद रखिएगा, जोन क्रियाएं करता आपने काम ना करके कोनो दोसर के प्रेरित करो है ओकरा की कहल जाए, तो उसको जो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, प्रेरणार्थक में भी दो तरह के प्रेरणार्थक क्रिया होता है, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक, है ना, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। अब बोलेंगे ये प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या अंतर है, यहां पे भी अंतर है। जब व्यक्ति खुद ना काम करके किसी दूसरे से काम करवा रहा है, जैसे कि हम एक उदाहरण लिखते हैं आप समझिएगा, जैसे कि अगर बोले कि वो
काम करावो है, वो काम करावो है, ठीक है, वो काम करावो है, एक हम लिख दिए वो काम करावो है। अब यहां पे अगर देखे, ध्यान से देखे तो यहां पे लग रहा है कि वो काम करवा रहा है ना, वो काम कराता है, तो कराता है तो समझ ली कि वो स्वयं नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो वो कर रहा है ना, वो काम करावो है। लेकिन अगर बोले कि वो काम करवावो है, फिर यहां पे दोनों में अंतर है, एक कराना और एक जैसे कि एक है कि पढ़ना, हम यहां पे चार शब्द लिखते हैं, एक हो गया पढ़ना, पढ़ाना और एक है पढ़वाना, चारों में अंतर आप समझिए, ठीक है। एक हो गया पढ़, तो पढ़ ये धातु शब्द है ना, धातु है, एक क्रिया में अगर धातु के रूप में देखा जाए तो ये पढ़ होगा, एक या तो पढ़ना के जगह पे आप पढ़े के ले सकते हैं, है ना, आप यहां पे पढ़े के ले सकते हैं, ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या हो गया, पढ़े के यहां पे मूल क्रिया हो गया। एक हो गया पढ़ावे, हम यहां पे खोठा में ही लिख देते हैं सब, पढ़ावे, और एक हो गया पढ़वावे, है ना, एक हो गया पढ़वावे। तो ये चारों में अंतर आप समझ में आया आपको, एक हो रहा है पढ़, ये तो धातु है, मूल शब्द है, एक हो गया मूल क्रिया हो गया ये, है ना, पढ़े, यानी वो स्वयं पे वो काम कर रहा है, वो स्वयं उस कार्य को कर रहा है। एक हो गया पढ़ावे, मतलब वो दूसरे को पढ़ा रहा है, तो यहां पढ़ावे जो है ना, ये प्रथम प्रेरणार्थक कहलाएगा, पढ़ावे जो वो क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा, क्योंकि वो काम खुद नहीं कर रहा है, दूसरे को वो पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बोले कि पढ़वावे, मतलब ना ही टीचर पढ़ रहा है, ना ही मतलब सामने वाला पढ़ रहा है, दूसरा से भी कोई तीसरे व्यक्ति को काम वो करवा रहा है, जैसे कि अगर हम बोले कि एक ठेकेदार ना खुद काम करता है, ना ही मुंशी काम करता है, ठेकेदार एक मुंशी रखता है, फिर मुंशी जो वो उसके नीचे लेबर काम करते हैं और उसके देख रेख में वो काम करवाता है, तो वो क्या कहलाता है, द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाता है। तो प्रेरणार्थक में भी दो प्रकार के प्रेरणार्थक होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ये दोनों में अंतर भी आपको याद रखिएगा। अगर डीपली सवाल जाएगा तो यहां तक जा सकता है, इससे ज्यादा डीपली नहीं जाएगा सवाल, यहां तक मेरा मानना है, और ये कह सकते हैं कि अपने आप में काफी डीपली सवाल होगा, अगर ये सवाल पूछता है तो समझिए कि कठिन प्रश्न होगा आपके लिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है कि जब मूल क्रिया के संगे आरो सहयोगी क्रिया सब आवो है तो ओकरा की कहल जाए, जब मूल क्रिया के साथ में और भी उसके साथ में सहयोगी क्रिया सब आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि ऊ पढ़े लागल है, तो यहां पे पढ़े के साथ है लागल है, तो ये सभी क्या है, मिल करके सभी जो वो ये संयुक्त क्रिया कहलाता है, यानी मूल क्रिया के साथ में और भी जो सहयोगी क्रिया जुड़ते हैं वो सभी एक साथ में क्या कहलाते हैं, संयुक्त क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊ खाए रहल है, जैसे कि हम एक उदाहरण लिखते हैं, ऊ पढ़े लागल है, ऊ पढ़े लागल है, ऊ पढ़े लागल है, ऊ खाए रहल है ना, ऊ खाए रहल है, खाए रहल है। तो यहां पे देखिए पढ़ना और खाना ये दो क्रिया है, ऊ तो आपको पता चल गया ये सर्वनाम के रूप में, लेकिन यहां पे लागल है और रहल है, ये दोनों क्या है, ये संयुक्त क्रिया के रूप में है, यानी कह सकते हैं कि है तो आपको पता होगा कि क्या है, ये सहायक क्रिया के रूप में है, और ये सभी जो सहयोगी के रूप में और भी जो क्रियावाची शब्द आते हैं वो सभी मिलकर के संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संज्ञा या विशेषण शब्द के संगे प्रत्यय जोड़ल से बनल क्रिया के की कहल जाए, कहते हैं कि संज्ञा या विशेषण शब्द के साथ में मिल करके, है ना, क्रिया के साथ में संज्ञा या विशेषण शब्द के साथ में प्रत्यय जोड़ने से जो बने हुए क्रिया शब्द होते हैं, क्रियावाची शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो उसे या तो फिर नाम धातु, या तो कई जगह पे नाम बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है, नाम धातु या तो फिर नाम बोधक क्रिया कहलाता है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें वो
उदाहरण, एक दो उदाहरण आप हमको बता दीजिए कि कैसा कैसा हो सकता है। जैसे कि एक उदाहरण हम लिखते हैं पानी, तो पानी क्या है, आपको पता होगा कि ये संज्ञावाची शब्द है। कैसा संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, है ना, चीज वस्तुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा हम कह सकते हैं इसको। तो पानी, और यहां पे एक प्रत्यय हम जोड़ दिए आवेग, है ना, यहां पे एक प्रत्यय जोड़ दिए आवेग, ये बन गया क्या, ये बन जाएगा पनियावेग। क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा पनियावेग। चलिए थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं, इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। पानी जोड़ आवेग, तो यहां पे क्या हो गया, पनियावेग। इसको हम जब लिखेंगे तो फाइनली लिखेंगे पनियावेग। अब देखिए यहां पे ये संज्ञावाची शब्द था और इसमें से एक प्रत्यय जुड़ गया, है ना, संज्ञा या विशेषण शब्द के संज्ञे प्रत्यय जोड़ल से बनल क्रिया के। अब ये एक संज्ञा था, इसमें प्रत्यय जुड़ा, यहां से बन गया एक क्रियावाची शब्द, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, या तो फिर संज्ञा संज्ञावाची, मतलब कह सकते हैं कि संज्ञावाची शब्द में जो वो क्रियापद जुड़ गया, है ना, तो इसको हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे क्रियार्थक संज्ञा की भी, हालांकि इसे क्रियार्थक संज्ञा भी हम लोग कहते हैं, यानी जहां पे क्रिया जो वो संज्ञा के रूप में व्यवहार करे तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है, वो अलग चीज है, हम वहां पे आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब संज्ञा या विशेषण शब्द के साथ में प्रत्यय से जोड़ करके एक क्रियावाची शब्द बनता है, उसे हम लोग नाम धातु या नाम बोधक क्रिया कहते हैं। चलिए अगला सवाल है कि जब कर्ता एक क्रिया या एक काम खत्म करके दूसर क्रिया के करे शुरुआत करो है, तब पहल क्रिया के की कहल जाए। तो इसको हम लोग पहले बात कर चुके हैं, है ना, पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जब एक कोई भी व्यक्ति एक काम खत्म करके, जैसे कि हम लिखते हैं वो नहाए के, नहाए के स्कूल गेले, स्कूल गेले। अब देखिए यहां पे या तो ऊ नहाय के खैले, ऊ नहाय के खैले, ये भी लिख सकते हैं, ओ खाए के खेल खेले है या खेलो है, या वो नहाय के खैले, मतलब यहां पे कह सकते हैं कि जहां पे दो क्रिया आपको दिखे तो जो पहला क्रिया होता है एक क्रिया को करके या एक क्रिया खत्म करके, एक काम खत्म करके व्यक्ति दूसरा काम करने के लिए जाता है, तो पहला क्रिया जो होता है उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, और ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां से तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आज का आखिरी सवाल है और इसका आपको ध्यान रखना है कि जखन क्रिया संज्ञा जैसन व्यवहार में आवो है तब ओकरा की कहल जाए। अब यहां पर एक शब्द दिख रहा है कि जब क्रिया जो वो संज्ञा के जैसा व्यवहार में आता हो तब उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है, है ना, जब क्रिया जो वो संज्ञा के जैसा व्यवहार करने लगे तो वो क्या कहलाता है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण अगर हम लोग बात करें, है ना, कुछ उदाहरण हम लोग अगर बात करें, जैसे कि बहुत बहुत अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं, इसमें से हजारों उदाहरण हम बना सकते हैं, जैसे कि खाएक तैयार भय गेले, तो यहां पे खाएक तैयार भय गेले, तो खाएक शब्द जो है वो क्रिया जो वो संज्ञा के जैसा व्यवहार कर रहा है, खाएक तैयार भय गेले, अब यहां पे खाएक तैयार भय गेले, तैयार भय गेले। अब देखिए जनरली हम लोग जानते हैं कि खाएक यहां पे क्रिया के रूप में होता है, लेकिन यहां पे इस वाक्य में अगर ध्यान दें तो यहां पे खाएक जो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा के जैसा व्यवहार में लाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से दारू पीएक बेस बाय ना है के, यानी दारू पीना अच्छी बातें नहीं है, तो वहां पे दारू पीएक, वहां पे पीएक शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किस रूप में, क्रिया के रूप में नहीं किया गया, वहां पे संज्ञा के रूप में किया गया है। बिहाने बिहाने घूरे बेस बाइन हके, यानी बेस बात हके, भोरे भोरे मतलब बिहाने बिहाने घूरे बेस बात हके, यानी सुबह सुबह टहलना अच्छी बातें हैं, तो वहां पे घोरेक जो है वहां पे क्या है, वो क्रिया के रूप में ना होकर के वो संज्ञा के रूप में व्यवहार में आ रहा है, तो इसलिए ये सभी क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा हम लोग कहते हैं। तो याद रखिएगा कई बार
क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि खाना पीना घूमना ये सभी जो हम बोले क्रियावाची जो होने के बाद भी क्रिया ना हो करके यहाँ पे क्रिया अर्थ कह सकते हैं कि क्रिया के अर्थ में संज्ञा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यानी क्रिया के अर्थ में संज्ञा होता है, वो क्रिया होने के बावजूद भी वो क्रिया के अर्थ में क्या होता है संज्ञा होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। हालांकि थोड़ा ये जटिल जटिल कह सकते हैं कि तुरंत आसानी से समझ में नहीं आता है, कई बार आपको फंसा देता है उदाहरण में, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे मोर देन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होता जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बाद में आपको ये PDF मिल जाएगा, यहाँ से आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आप एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। बाकी के हमारे साथ में अगर आपको जुड़ना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं डिटेल क्लासेस के लिए, चाहे वो थ्योरी क्लासेस हो या और भी डिटेल में और भी MCQ हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप प्ले स्टोर से खोटा किंग ऑफिशियल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। नाम मात्र का फी है, एक बार आप ज्वाइन करिए और देखिए, आपको उसके बाद में खुद ये एहसास होगा कि जो हमने फी दिया है वो केवल नाम मात्र का एक फी दिया है। जब आप कंटेंट देखेंगे उस पर मेहनत देखेंगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वहां पे आपका पैसा जो वो ज्यादा लिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इच्छुक हैं तो आप जरूर जुड़े हमारे साथ में एक बार, और प्ले स्टोर से खोटा किंग ऑफिशियल एप्लीकेशन को भी जरूर आप डाउनलोड करें, वहां पे भी आपको सारे कंटेंट आपको अवेलेबल है और सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, चाहे वो SSC CGL की बात करें या तो फिर LDC की बात करें, उत्पाद सिपाही की बात करें, या सहायक आचार्य 1-5 और 6-8 की बात करें, ये सभी के क्लासेस वहां पे अभी चल रहा है। कुछ दिनों के बाद में JPSC मेंस के लिए भी क्लासेस आएंगे, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए अभी समय है, है ना। JPSC मेंस के लिए क्लासेस भी लेकर के हम हाजिर होंगे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तब तक आप हमारे साथ में जुड़ना चाहे तो आप फिलहाल के लिए इन कोर्सेस के साथ में जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।